स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन थ्री वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। प्रोसीजर क्या है, देखिए हम तीन इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जनरल इक्वेशंस। लेट कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1। सेकंड इक्वेशन फॉर a2x + b2y + c2z इज इक्वल टू d2। a3x b3y + c3z इज इक्वल टू d3। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ए वन हमारा कितना हुआ 1, बी वन 1, सी वन 1, डी वन कितना हुआ 5। इस तरह से हमारे पास सपोज 3 इक्वेशंस हैं जनरल। सपोज लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, A3, B3, C3 और S मान लेते हैं वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, और B मान लेते हैं हम जो कॉन्स्टेंट है हमारे इक्वल में राइट हैंड साइड D1, D2 और D3 ये मान लिया हमने। तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट A x is equal to B, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, x, y, z, D1, D2, D3। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे A1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, इसकी इक्वल होगा डी वन के, वही आ गया ना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड, डी टू के इक्वल आ गए। ये हमारा क्या है, ए के इक्वल है, दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए हमारा क्या है, जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के उसकी मैट्रिक्स है, एक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स है, बी राइट हैंड साइड में जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी मैट्रिक्स है। टू केसेस, केस फर्स्ट, दो केस हैं, व्हेन डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है हो सकता है उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, यानी कि ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर है तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो नॉन सिंगुलर हो। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स इजल टू बी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग। प्री का मतलब है ए एक्स में ए कहलाता है प्री फैक्टर, x कहलाता है पोस्ट फैक्टर, यानी कि पहले आगे की साइड में हमने a इनवर्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, पोस्ट होता है तो बाद में लिखा जाता, तो a इनवर्स a इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a किसकी इक्वल होता है i के, और i को x से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x। तो x is equal to क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया जिससे कि हम x y z की वैल्यू निकालेंगे, x is equal to a inverse b। अब ध्यान दें, हमने किया था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स की, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होता है। अगर इनवर्स यूनिक है तो इसका मतलब x y z की वैल्यू भी क्या आएंगी, यूनिक ही आएंगी, एक ही आएंगी यूनिक, इसका मतलब सोल्यूशन भी क्या होगा हमारा यूनिक ही होगा। केस सेकेंड,
बस हमारे सिलेबस में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, और इसी में आता है हमारा हमारा जो टॉपिक है सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन तक ही है। जो आगे का है ये हमारा डिटरमेंट ए इज इक्वल टू जीरो, ये 1 या 2 मार्क्स में काम आ सकता है व्हेन डिटरमेंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो दो केसेज हैं, फर्स्ट केस एडिटरमेंट ए इंटू बी निकालेंगे आप इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड केस अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जो ये प्रोसेस की है द वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। और क्वेश्चन नंबर टेक एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आप, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी जैसे बताया था इक्वेशन को हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा ए क्या है, हमारा ए क्या होता है जो वेरिएबल्स हैं उसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 2, 3, 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 2, एक्स एक्स वाई जेड। और जो हमारा बी होता है राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है उसकी मैट्रिक्स होती है। देखें आप अगर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3y + 3z इसके को आ जाएगा 5k, ये सारी इक्वेशन आ जाएंगी। वी फाइंड डिटरमिनेंट ए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, कैसे एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग एक्सपेंड 4 + 1, इस पे कौन सा किसके आगे कौन सा साइन होता है माइनस का, -2 -3, इस पे कौन सा साइन होता है प्लस का, डिलीट कर लो रो और कॉलम को, -1 + 6, 2 × 5 - 3 - 5, 5, 10 + 15 + 15 कितना आ गया 40, नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने करवाया था आपको अगर डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता रखा ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, ये ए इनवर्स का पहले एडजॉइंट निकालेंगे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करें ए 1 1, कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, देखें इधर ए आई जे जो हमारा ए आई जे किसके लिए होता है आई प्लस जे एम आई जे, माइनर को फैक्टर आपको याद है, तो ए 1 1 1 + 1 -1 raised to the power 2 पॉजिटिव आ गया, एम 1 1 a12 - m12 a13 m13, यानी कि माइनर और कोफैक्टर इक्वल होते हैं सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है, a11 माइनर निकालना आता है m11, यानी कि a11 ये जो हमारा एलिमेंट है 2 इसका कोफैक्टर डिलीट कर दो, अब हम इस 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, माइनर के इक्वल होगा 2 जिस कॉलम और रो में लाई करता है उसको डिलीट कर दें, तो क्या बचा -2 - 1 1 - 2, तो कितना आया 4 + 1 कितना आया 5, a12 देखो सम अगर ओड बन रहा है तो उसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस आ गया
देखें इधर ए वन टू इसका निकाल रहे हैं जी का, तो माइनस टू माइनस थ्री कितना है हमारे पास फाइव। ए वन थ्री, ए वन थ्री का मतलब है जो एलिमेंट हमारा थ्री, इसका हमने को फैक्टर निकालना है, माइनस वन प्लस सिक्स दिस इज फाइव। ए वन थ्री ए टू वन, अब देखो सम इसका क्या बन रहा है, ओड बन रहा है तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस एम टू वन माइनर आ जाएगा ए टू वन, इसका निकाल रहे हैं वन का, तो वन जिस कॉलम में रो में लाई करता उसको डिलीट कर दो, रो सेकंड है कॉलम फर्स्ट, तो कितना आ गया माइनस सिक्स प्लस थ्री, तो कितना आ गया थ्री आ गया हमारा। ए टू टू, ए टू टू हमने इसका निकाल रहा है बीच वाले का डिलीट करें, माइनस फोर माइनस नाइन माइनस थर्टीन। ए टू थ्री इसका निकाल रहे हैं हम वन का, माइनस टू माइनस नाइन, आगे माइनस आ जाएगा ध्यान दें क्योंकि इनका सम क्या बन रहा है ओड बन रहा है, माइनस इसका निकाल रहे हैं तो माइनस टू माइनस नाइन ए थ्री वन यानी कि थ्री का कोफैक्टर डिलीट करें रो थर्ड को और कॉलम फर्स्ट को, क्या आया थ्री, थ्री टू द सिक्स सिक्स हो गया नाइन। ए थ्री वन का हमने निकाला फाइंड आउट किया, ए थ्री टू माइनस इसका कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं माइनस वन का, टू माइनस थ्री वन, ए थ्री थ्री इसका कोफैक्टर फाइंड आउट किया तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन, तो एडजॉइंट क्या है हमारा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो एडजॉइंट तो आएगा हमारा ए वन वन फाइव फाइव फाइव, ए टू वन थ्री माइनस थर्टीन, ए टू थ्री इलेवन नाइन वन माइनस सेवन। ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई डिटरमेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमेंट कितना आया फोर्टी, एडजॉइंट फाइव थ्री नाइन, फाइव माइनस थर्टीन वन, फाइव इलेवन माइनस सेवन। ध्यान दें यहां पे आपको वन बाई फोर्टी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा नंबर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखो एक्स ए एक्स इक्वल टू बी इसके इक्वल होता है बी के, तो यहां से एक्स ए इनवर्स बी के, तो x x y z 1 by 40 pi 3 9 pi minus 13 1 और b हमारा कितना है pi minus 4 3। देखें This implies x y z 1 by 40 multiply करें 25 minus 12 25 plus 52 plus 3 25 minus 44 minus 21 ये क्या आ गया
वन बाई फोर्टी, 25 प्लस 27 52 और माइनस 12 40, इनको ऐड करेंगे 55 प्लस 25 80, ये हमारे 25 है, ये हमारे हो जाएंगे 65 माइनस के, इतना आ गया माइनस का 40। दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज दैट इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1, y is equal to 2, z is equal to minus 1। इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आप आंसर को जस्टिफाई भी कर सकते हैं x, y, z की वैल्यू पुट करके। x की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, बिल्कुल सही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। आपने 10th क्लास में भी किया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन आर मोर सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशंस दी है उनका वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनेटली मैनी हो, कितने भी सॉल्यूशन हो, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फॉर, जो इक्वेशन दिए हैं हमें इसकी एग्जामिन करनी है वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, कैसे करेंगे देखिए। इधर इन गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में पता है आप इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए क्या होता है हमारा एक्स वाई जेड के जो कोफिशियंट है उसकी मैट्रिक्स, और एक्स क्या होता है, और बी क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड में उसकी मैट्रिक्स होती है। डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, क्या करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट निकाला कितना आ गया 6 माइनस 6 जीरो। पहले देखें, सपोज मान लो डिटरमिनेंट हमारा जीरो नहीं आता, डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं आता यानी कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर होता, नॉन सिंगुलर है तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट, यही पे फिनिश हो जाएगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो आ जाता है तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट अगर ए जीरो आ जाता है, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है मैंने, इंटरचेंज कर दें इनको, इनका साइन चेंज कर दें, याद है आपको इन नंबर्स को क्या करते हैं इंटरचेंज, और इनका क्या करते हैं साइन चेंज, और बी बी हमारा कितना 58 मल्टीप्लाई करें 30 माइनस 24 माइनस 10 प्लस 5, तो ये आ गया हमारा माइनस 6 4। क्या जीरो मैट्रिक्स की इक्वल है, नहीं है, अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाता तो हम क्या कहते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब हमारा सिस्टम कैसा आ जाता, कंसिस्टेंट, तो यहां पे कैसा आ गया, इनकंसिस्टेंट। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई।